नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के महिला थाना अब बदला नजर आ रहा है। थाने की रंग बिरंगी बिल्डिंग के साथ काफी कुछ इस थाने में बदल गया है। इस थाने में कई नई पहल की जा रही है। एकल महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई एकल खिड़की योजना शुरू की गई है। रेनोवेशन का उद्घाटन शुक्रवार को DGP सुधीर सक्सेना ने किया। उन्होंने महिला थाने के स्टाफ को शुभकामनाएं भी दी। इस थाने में पहली मंजिल पर परामर्श रूम बनाए गए हैं। थाने में लोगों के आने पर उनकी बात को सुनने के लिए रिसेप्शन को हेल्प काउंटर शुरू किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के स्तनपान की व्यवस्था और शिकायतकर्ता के साथ आने वाले बच्चों के खेलने का मैदान भी होगा। अकेली रहने वाली महिलाओं और बुजुर्ग लोगों के लिए सिंगल विंडो हेल्पलाइन की गई। अकेली रहने वाली महिलाओं और बुजुर्ग लोगों के लिए सिंगल विंडो हेल्पलाइन की नई पहल की शुरुआत की गई है। नई एकल खिड़की योजना का उद्देश्य अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों या अकेली महिलाओं को यह महसूस कराना है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। महिला थाने का इनॉग्रेशन हुआ है। एक्चुअली ये महिला थाने का इनॉग्रेशन नहीं है। महिला थाने बहुत समय से चल रहा था। अभी पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न योजनाओं में महिला थाने को के जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध कराई थी। इसे एक विक्टिम फ्रेंडली पुलिस स्टेशन और महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया था और उसे डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि न केवल महिला थाने में उपलब्ध जो स्टाफ है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए ट्रेंड रहे, बल्कि जो बिल्डिंग का भी जो हार्डवेयर है वो भी उसके लिए वैसा डिज़ाइन किया गया हो जो महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो। जैसे फीडिंग रूम होना, ये छोटे बच्चों को खेलने के लिए जगह रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों को अपने साथ रख कर के विवाद की चर्चा जो है वो बच्चों की मानसिकता पर भी प्रभाव डाल सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस थाने को रीडिज़ाइन किया गया है, क्योंकि थाना तो पहले से ही चल रहा था। इन आवश्यकताओं को रखते हुए फिर इसमें हमारे साथ जो महिला थाने के साथ कई NGOs भी मिल करके काम कर रहे हैं, उनके सोशल वर्कर्स भी यहाँ पर बैठ रहे हैं जो विक्टिम्स को आवश्यक साइकोलॉजिकल और विक्टिम और जो कानूनी सपोर्ट है वो उपलब्ध कराएंगे। ठीक, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।